हाँ भाई, अब बताओ इस तार में करंट है? हाँ है। बिजली है इसलिए तो बल्ब जल रहा है ना। जो इस तार को छुएगा ना उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा मैं। बोलो कौन छू रहा है? आओ रमेश, तुम छू के दिखाओ। नहीं मुखिया जी, मेरे से नहीं होगा। बिजली का करंट लेगा, मैं नहीं। नहीं नहीं, बिजली है। नहीं बाबा, जल्दी में जान नहीं गंवाना है। और जादूगर साहब, अरे आप तो बड़े बहादुर हो यार, आप छू के दिखाओ। बिजली है, मुझे नहीं चाहिए ना। बबलू भाई, आप ही छू के दिखा दो एक बार तार को। खुली तार को हाथ लगा के मारना थोड़ी ही है। खुली तार को कोई छूना नहीं चाह रहा क्योंकि ये खतरनाक है। क्यों भाई, है कि नहीं? हाँ सही है। तो फिर तुम सब लोग रेलवे की पटरी पे बैठ के क्या कर रहे हो? बिजली की खुली तार को छूना खतरनाक है, वैसे रेलवे पटरी पार करना भी तो खतरनाक है कि नहीं? रेल पटरी पार करना, क्रॉसिंग को नजरअंदाज करना खतरनाक है और रेलवे के कानून के मुताबिक ये गुनाह भी है। क्यों इंस्पेक्टर साहब? रेल प्रशासन हमेशा बताता रहता है मगर आप लोग ध्यान ही नहीं देते और अपनी जान गवा बैठते। गया हुआ सामान है, मोबाइल है, ये वापिस आ सकता है और आपकी जान नहीं आ सकती। क्या कुछ बत्ती जली गई नहीं दिमाग की? जली। इसलिए रेलवे पटरी पार करना खतरनाक है।